जय हिंद दोस्तों। अब मैं YouTube पर क्लास लूँगा, वो भी अंगणित के बुक से। तो अभी हम सिलेबस लिखवा देते हैं कि अभी हम लोग को पढ़ना क्या क्या है मैथ में, उसके बाद हम क्लास को रेडी करेंगे। तो पहले हम सिलेबस लिखवा देते हैं आप लोग को, क्या क्या मिलेगा। सिलेबस मैथ में क्या क्या पढ़ना है, तो पहला हम लोग को पढ़ना है संख्या पर आधारित प्रश्न। पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है संख्या पर आधारित प्रश्न। दूसरा हम लोग को पढ़ना है इसमें बीजगणित, दूसरा का पढ़ना है बीजगणित, अलजेब्रा अलजेब्रा संख्या पर आधारित प्रश्न। उस तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या है, सरलीकरण सरलीकरण। चौथा चैप्टर क्या है, चौथा है भिन्न भिन्न, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। पांचवा है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। छठवां है वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घन मूल। सत्तवा सत्तवा है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य। आठवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। नौवां चैप्टर है लाभ और नहीं औसत, औसत एवरेज। दसवां है, दसवां पढ़ेंगे हम लोग प्रतिशत, प्रतिशत। और इधर देख लेते हैं, इधर खाली जगह है। प्रतिशत के बाद है उदाहरण में लाभ और हानि। फिर 12वां चैप्टर में है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। 13 में है समय और काम, समय और काम। 14 चैप्टर है हम लोग का समय और दूरी, समय और दूरी। 15 है संख्या श्रेणी, संख्या श्रेणी। 16 क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। 17 है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। और 18 चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रचना ज्यामिति, रचना ज्यामिति। तो इन सब मैथों को, मैथ्स को पढ़ने के लिए हम शुरू से अंत तक सारा बुक को सॉल्व कराएंगे। इसलिए अगर पढ़ना है अंगड़ी से तो हमारे साथ जरूर जुड़कर पढ़ाई करें। जय हिंद।